कैसे हैं आप? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं ऑयलिंग कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सर में दर्द सा हो रहा था, सर भारी भारी हो रहा था, तो मैंने बालों को समेटने के लिए थोड़ा सोचा थोड़ा तेल लगा लिया जाए और फिर उसको बालों को सुलझा कर। मैं चोटी नहीं बनाती कभी क्योंकि मेरे बाल इतने लंबे नहीं हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि बस आज चोटी बना ली जाए हल्का सा। कहते हैं कि जूड़ा बनाने से सर में दर्द होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो हटा दिया जाए जूड़ा और चोटी बना लिया जाए। तो अब मैं और तेल लगा रही हूँ, तेल लगाने के बाद बालों को सुलझा लूँगी, साथ साथ थोड़ी सी मालिश भी कर लूँगी। बस यही सोच के मैं बालों को तेल लगाने लग गई हूँ। मैंने झाड़ू लगा लिया है, पोछा लगा लिया है, मतलब मेरा आधा काम तो समट गया है, लंच और ब्रेकफास्ट भी हो गया है, तो बस आज धीरे धीरे काम ही करे हैं। और तो घर काफ़ी गंदा हो रखा था क्योंकि कल का दिन मेरा जो है घर के बाहर ही थी, ऑफ थी, और एक दिन अगर घर से बाहर रहो तो एक दिन में ही घर काफ़ी ख़राब दिखने लग जाता है। तो बस वही है कि आज काफ़ी काम था, कल का जो था दिन था बहुत बिजी था। मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ, और इतना सर दर्द हो रहा था कल तो बस पूछो ही मत, ऐसे लग रहा था कि बस उल्टियां कर करके ना पेट बाहर आ जाएगा। लेकिन उल्टियां तो खैर नहीं की क्योंकि मैंने टैबलेट खा ली थी, क्योंकि गाड़ी में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, इस वजह से जो मेरा जो है शरीर पूरा डाउन हो जाता है, पूरी बॉडी मेरी जो है डाउन हो जाती है। तो बस वही हाल है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी बीमार हूँ। तो नहा धोने से कर सर धोने से जो है थोड़ा सा हल्कापन सा महसूस हो रहा है। रात भर अच्छी नींद आई, पर अच्छी नींद के बावजूद भी अभी भी जो है थकावट हो रही है, इसीलिए सोचा कि थोड़ी बाल बाल सुलझा कर बालों को बांधने के बाद एक अच्छी सी नैप ली जाए। बट उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ क्योंकि कल के दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, और मतलब आज के दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया है, कल का तो मैंने कर दिया था छोटा सा। तो बस बाल मेरे सुलझ गए हैं और इनको बांधने के बाद आप लोगों के साथ फेस टू फेस थोड़ी सी अच्छी सी बातें कर लेते हैं क्लियरली, क्योंकि बात करने से काफ़ी ठीक रहता है। और क्योंकि आज का वीडियो जाने वाला है नहीं, तो आज मैं आप लोगों से बात करूँगी तो ये आप लोगों तक कल तक ही पहुँचेगी। तो आई होप आप लोग समझेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी। तो बस अब मैं हो गया है मेरा रेडी, मैं अपना सामान सारा समेट के रखती हूँ, बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, नॉर्मल मेरा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, होप ही कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा मैं यही बोलती हूँ, आई होप अच्छे होंगे, होप ही कर सकते हैं, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि हम उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसके अलावा अगर कुछ कर सकते हैं तो हम सजेशन दे सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, बस सजेशन ही दे सकते हैं, करना तो फिर भी आपको ही होगा। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था तो चंपिंग की है अपनी, और कल का दिन काफ़ी बिजी था मेरा, क्योंकि जो हमारी जो मेरी भांजी है जिसकी अभी कुछ टाइम पहले शादी हुई है, उसकी फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हुई है, उनके घर में कोई बुज़ुर्ग जो है वो गुजर गए हैं, तो हमें वहाँ पे जाना पड़ गया सारा टाइम, तो हमने कोई वीडियो शूट नहीं किया, तो आज के दिन कोई वीडियो आप तक नहीं पहुँचा है, और जो ये वीडियो है आज आपका मेरा जो है ये वीडियो आप तक कल तक पहुँचेगा। तो यही कहना चाह रही थी कि काफ़ी भारी दिन था कल का, और एक्चुअली अब ये वो सोचेंगे कि आप लोग कहें कि उसका वीडियो शूट किया, तो यार आप खुद सोचिए, हम कहीं आप किसी के बुरे में गए हैं और बुरे में आप कैमरा लेके आप शूट करते रहोगे तो कितना अजीब लगेगा, वो बहुत ही बेकार लगेगा, है ना। तो मैंने कोई भी ऐसा वीडियो शूट नहीं किया है,
और देखिए पीछे मेरा बेटा कैसे शैतानी करके खेल रहा है वो मैं हमेशा ये पहनती हूँ क्योंकि उस पर नज़र रखती रहती हूँ मैं कि नज़र रखना ज़रूरी है भाई। तो ऐसा तो नहीं है हम किसी के बुरे में गए हैं और वीडियो लेके शूट करने लग जाए तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ऐसा कोई वीडियो वगैरह नहीं है उसका, कुछ अच्छा होता है कोई खुशी वाली बात होती है तो चाहे जितना मर्जी फ़ोटो क्लिक करो वीडियोस बनाओ अच्छा भी लगता है, दूसरों को भी मज़ा आता है, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे बुरे मौके पे नहीं कर सकते हम लोग। तो कल का काफ़ी दिन बिजी था, सुबह 6 बजे से लेके रात को जो है पूरा टाइम हम जो है मेरा जो है चला गया, और क्योंकि मुझे गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम होती है इंटीरियर की स्मेल पेट्रोल की स्मेल, तो वो मेरे दिमाग पे असर करती है, मेरे दिमाग पे चढ़ जाती है, मेरे पेट में कुछ होने लगता है, तो और फिर उसी की वजह से अभी तक जो है मेरे उसका मेरे पे असर है। और यकीन मानिए अभी भी मेरा सर जो है काफ़ी घूम रहा है, तो इस वजह से मैंने अभी मॉर्निंग में भी कुछ खास काम नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर लिया जो करना था, लेकिन अब ब्रेकफास्ट हो गया लंच हो गया, लेकिन अभी क्या करें काम तो चाहे लेडीज़ को कुछ भी हो लेकिन अगर आप एक होममेकर हैं एक मम्मी हैं एक वाइफ हैं तो आपको काम तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब बच्चे बोलेंगे कि मम्मी भूख लगे तो आप क्या उनको भूखा थोड़ी ना छोड़ दोगे, हस्बैंड को आप बिना लंच के आप ऑफिस थोड़ी ना भेज दोगे, तो ये तो करना ही है चाहे कैसे भी हो। तो जब तक हम प्रॉपर मरने की हालत में ना हो जाएं, कहने की बात ये है तो हमें काम करना है, तो ये होती है परफेक्ट वाइफ और परफेक्ट हाउस मेकर। तो ऐसा नहीं है कि अब कहें कि हम जो दिखा रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं ये है वो, मैं आज थोड़ा मन की बात शेयर करने की सोच रही थी, हम मन की बात शेयर करनी चाहिए राइट। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग बहुत खुश हैं अपनी जगह पे, किसी का बहुत पैसा है तो बहुत खुश है, किसी का बहुत बहुत गरीब है तो बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। देखो सबके पास अपना गम है, सबके पास अपना एक दुख है, कोई कैसे दुखी है तो कोई कैसे दुखी है, दुखी सभी है, किसी के पास थोड़ा दुख है किसी ज़्यादा दुखी है दुख है, लेकिन रोने से क्या होगा कुछ भी नहीं होगा, लड़ने से क्या होगा कुछ भी नहीं होगा। मैंने यकीन मानिए मैंने अपनी लाइफ में बहुत रोया है, बहुत चिल्लाई हूँ, बहुत कुछ किया है, बट कुछ नहीं होता है। जो काम आपकी एक स्माइल कर जाएगी वो काम आपकी लड़ाई नहीं करेगी, ये चीज़ें मुझे कुछ लोगों ने बताई थी, लेकिन कहते ना कि हम कई बार ये होता है कि खुद के एक्सपीरियंस से ही चीज़ें सीखते हैं, किसी के बताने से हम कुछ भी नहीं सीखते हैं, इनफैक्ट हम उल्टा उसे कुछ बोल जाते हैं कि तुम्हें क्या मालूम मेरी फीलिंग्स का, ठीक है। और ये सच भी है कि हमें किसी के दर्द का, कुछ टाइम पहले मेरी एक फ्रेंड थी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी मेरी, लेकिन थोड़ी सी हमारी उसमें खिटपिट हो गई थी किसी तीसरे पर्सन की वजह से, और हमने इस बीच जो है काफ़ी बात नहीं की, काफ़ी टाइम हो गया, और पता नहीं मैं बहुत पर्सनली उससे साथ काफ़ी अटैच थी और बहुत अच्छा फील करती थी उसके साथ, मन की बातें भी शेयर किया करते थे, और हमेशा मैं उसके बारे में सोचा करती थी और हमारे बीच क्या हुआ क्यों हुआ उस बारे में सोचा करती थी। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ से स्टार्ट हुई, प्रॉब्लम स्टार्ट हुई उस तीसरे पर्सन की वजह से, उसके साथ मैंने एक दो बातें शेयर कर ली और उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठा के पहले तो हाँ हाँ किया और फिर बाद में। तो ये मैं यही कहूँगी कि आप अपने बीच किसी तीसरे बंदे को मत आने दीजिए, और वो आपके बीच जो है गलत चीज़ें डाल देगा, गलत चीज़ें कर देगा, और जो चीज़ जो गलती मैंने की सेम गलती और मेरी दूसरी फ्रेंड ने भी कर दी, तो उसने यही चीज़ का फ़ायदा उठाया और हमारे बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहते हैं जहाँ पे दिल मिले हुए होते हैं और छोटी मोटी गलतियाँ तो होती ही रहती हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहाँ तो चलता ही है, तो बस हम ये कर सकते हैं कि हम ये कोशिश करें कि दोबारा वो चीज़ ना हो, तो हम लोग का अपने आप ही पैचअप हो गया, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ पैचअप और हम लोगों ने सारी बातें क्लियर की, और शी ऑल्सो मिस मी, वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस करती थी, उसने खुद बताया मुझे और मैं भी उसे करती थी। हमारी फैमिली फ्रेंड, हम कहेंगे हमारी फैमिली पूरी फ्रेंड है,
उनके हस्बैंड भी हम उनके हस्बैंड मेरे हस्बैंड भी दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो वो तीसरा बंदा जो है उसके जो उसने जो भी रहता फैलाया था ना, वो अपने आप ही क्लियर हो गया है। अभी मैंने तो उससे बिल्कुल जो है बिल्कुल कनी काट ली है, मैं बिल्कुल उससे बात नहीं करती हूँ और बिल्कुल मेरे फ़ोन लिस्ट से वो ब्लॉक है और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उससे उस तरह से नज़र से देख पाऊँगी जिससे मैं कभी देखा करती थी। हाँ मैं देखिए किसी से भी मुँह नहीं फुलाना चाहिए, मैं ये नहीं किया होना ही मैंने किया है अभी तक। जब भी मुझे मिली है तो मैंने हमेशा उसके बड़े हंस के उससे मैंने बात की है, लेकिन पर्सनली जो फ्रेंड वाली बात होती है वो नहीं है ना हो सकती है कभी। जो ट्रस्ट ने तोड़ा है वो कभी नहीं टूट सकता। तो कहना मैं ये चाहूँगी कि अगर आप अपनी फीलिंग्स के साथ शेयर करते हो तो विश्वास है आपको उसके ऊपर तो आप कीजिए। वैसे भी ज़्यादातर लोग अगर ऐसा कुछ काम करते हैं यानी फीलिंग्स वगैरह शेयर करना तो वो आप पे विश्वास करता है, इसीलिए ऐसा शेयर किया है। गलती आपकी है कि आप उसका गलत यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि छोड़िए, क्या फर्क, प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी होती हैं, किसी के अंदर कुछ कोई प्रॉब्लम है, किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आप उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी के साथ मत बताइए मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर ली और आगे से मैं कोशिश क्या करना ही नहीं है भाई, कभी नहीं। तो आई होप आज का जो है वीडियो, तो मैं तो यही कहूँगी कि क्या बोलूँ मैं आगे, आप बता दो यार, मैं तो नहीं समझ में आ रहा मुझे आज का। तो बस सर दर्द हो रहा था, जंप भी कर ली है, तो आज का बाय बाय कर देते हैं, फिर कभी मिलेंगे। और कल का वीडियो जो है परसों का रेडी हो गया है तो वो आपको मैं भेज दूँगी। फ़िलहाल अभी मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है, शाम के डिनर की तैयारी करनी है, दूसरे छोटे छोटे काम पड़े हैं, किचन पड़ा है क्लीन करने के लिए, तो वो किचन क्लीन कर लूँ, शाम के खाने की तैयारी कर लूँ, तो फिर थोड़ा आराम हो जाएगा। लेकिन सर में दर्द तो हो ही रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ जो पता नहीं गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है और बस सर घूमने लग जाता है। तो मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि तू कहीं ले जाने लायक नहीं है इसी चक्कर में, और मैं कहती हूँ मुझे लेके जाया करो। तो बस जब हमारी खुद की गाड़ी आ जाएगी ना तो हम थोड़ा बहुत बाहर निकला करेंगे, तो मुझे गाड़ी की आदत पड़ जाएगी, मैं ऐसा सोचती हूँ। क्योंकि हर चीज़ की आदत पड़ जाती है यार, हर चीज़ की आदत पड़ जाती है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी हमें आदत ना पड़ती हो। तो गाड़ी की आदत पड़ जाएगी तो बेटर रहेगा, राइट। तो शाम को देखते हैं क्या बनाएंगे और मिलते हैं आपसे फिर। Bye.